नमस्कार, प्रहरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मान मित्र। हमारे साथ टैक कंसल्टेंट खास तौर से राम विशाल वर्मा जी जुड़े हुए। आई जानते हैं प्रहरी न्यूज के बारे में वो क्या सोचते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रहरी न्यूज की सभी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, जो सीईओ हजोंग जी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, प्रहरी न्यूज एक अच्छी न्यूज है जिसमें गाँव से लेके शहर की सारी छोटी से बड़ी जो भी न्यूज है। हाँ, बिल्कुल खबरें होंगी, लेकिन आप क्या चाहते हैं, क्या कुछ खबर होनी चाहिए? मेरे हिसाब से इसके साथ में लोगों को अवेयरनेस टैक्स के बारे में होना चाहिए जी। उनसे रिलेटेड की क्या नोटिफिकेशन अपडेट्स हो रहे हैं जी जी, जिससे कि जो बिजनेस मैन है उनको बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है उससे वो उनको सहूलियत मिले और वो अपने काम को सुचारू रूप से कर सके। जी, आप चाह रहे हैं कि बिजनेस की खबरों को भी तरजीह दे प्रहरी न्यूज। जी हाँ। और भी चैनल्स में आते हैं, कम आते हैं प्रहरी न्यूज में? जो बाकी जो टीवी न्यूज में चैनल्स आते हैं वो इसके बारे में जो लास्ट डेट आती है तभी अपडेट करते हैं। लेकिन जो कंटिन्यूसली जैसे डेट से दो महीने पहले एक महीने पहले अगर देश के एसएससीओ को ये अपडेट्स हो तो वो अपने आप को ज्यादा बेटर से। हाँ बिल्कुल, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, खासतौर से प्रहरी न्यूज को आप देखें और आपके लिए प्रत्येक रेगुलर प्रोग्राम चलाने के लिए हमने कोशिश की है? मैं तो ये कहूँगा सभी देखने वालों से कि इसको देखें और अपने ज़्यादा व्यू भेजें जिससे कि प्रहरी न्यूज उसको अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश और को दिखा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ, तो ये थे टैक्स का कंसल्टेंट और अपने विचार के अनुसार उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि निश्चित तौर पर बिजनेस की खबरों को इसमें तरजीह दे तो बेहतर होगा। चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर लाइए ताकि देश दुनिया की खबरों से आप रह सके अवगत। नमस्कार।